नमस्ते, मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। होली के पहले होलाष्टक के दिनों में आपको खास ध्यान रखना चाहिए। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग होलाष्टक में कामदेव ने भोलेनाथ को रुष्ट किया था और दूसरे युग में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत दुख पहुंचाया था, इसलिए होलाष्टक के दिन शुभ कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। होलाष्टक के इन दिनों में कुछ ऐसा संजोग होता है कि बुरी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए इस टाइम तांत्रिक लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। वो लोग अलग अलग शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत पूजा जादू टोना करते हैं। ऐसे में हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप नोट कर लो और थोड़ा ध्यान रखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। सबसे जरूरी, होलाष्टक में सबसे पहले आपको अपने बालों का ध्यान रखना है। आप जब भी बाल बाएं यानी कॉम करें तो बाल तो टूटेंगे ही। आपको बालों को यूं ही नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर किसी ने आपके बाल इस्तेमाल किए तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बालों को इकट्ठा करना है, लंबे हैं तो इन्हें लपेट के गांठ मारनी है और 3 बार बालों पे थूकना है। ऐसे आपको थू 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 करके नजर भी उतारनी है। ऐसे आप 3 बार बालों पे थूके और फिर बाल डस्टबिन में डालें। होलाष्टक के दौरान में हमेशा मैं ये कहती हूँ कि लेडीज को अपने बाल बांध के रखने चाहिए, क्योंकि बाल अगर खुले होंगे तो कभी भी टूट के इधर उधर गिर जाते हैं। और फिर मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि क्या हो सकता है, तो होलाष्टक में बाल बांध कर ही आप अपने रखें। दूसरा, आपको चौराहे से बच के चलना है, बीच में चौराहे पार नहीं करना है। आप अगर गाड़ी में हैं तो कोई बात नहीं, बस कोशिश करें कि चौराहे पे अगर कोई नींबू या कोई पूजा की चीज है तो गाड़ी के टायर उस पे ना आए। आप अपनी गाड़ी में एक छोटा सा लोहे का चक्कू रखें, उससे अगर गाड़ी गलती से किसी चीज पर आ भी जाती है तो उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा और किसी गलत पूजा या टोटके भी आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। तीसरा, अगर आप अपने कोई पुराने कपड़े डोनेट करना चाहते हैं तो होलाष्टक के बाद करें। स्पेशली अपने बच्चों के और न्यू बॉर्न बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल भी इस टाइम पर आप किसी को भी दान नहीं दें, क्योंकि आपके कपड़ों का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। चौथा, अगर आप अपनी बेटी के या रिश्तेदारों के या दोस्तों के घर पे होली की मिठाई भेज रहे हैं तो उस सामान में आप एक लोहे की कील रख कर भेजें। इससे चौराहे की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो उस सामान के अंदर, उस मीठे के अंदर ना जाए। आप घर के अंदर जाने से पहले उस कील को बाहर फेंक दें। इससे आपका शगुन एकदम शुद्ध रहेगा और आपके रिश्तेदार या आपकी बेटी के घर पहुंच जाएगा और उनको कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांचवा, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो होलाष्टक के टाइम पे कोशिश करके घर में ही रहें, पूजा पाठ करें, बाहर ना जाएं, और जाना भी पड़े तो साथ आप अपने एक लोहे का चक्कू लेकर जाएं। इस चक्कू को आप अपने पर्स में रख के लेके जा सकते हैं या अपने कपड़ों के अंदर रख के लेके जा सकते हैं, या ब्रेसलेट मिलते हैं जिसमें चक्कू जो होता है वो बंधा हुआ होता है, कलावे के अंदर भी मिलता है। आप वो लोहे का चक्कू वाला कलावा भी खरीद सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। मीठा आप खा के घर के बाहर नहीं जाएं और ना ही रास्ते में या गाड़ी में कहीं आप मीठा खाएं। आप सब होलाष्टक में जितनी पूजा जाप हो सके वो करें। कुछ और बातें होलाष्टक की अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।